कटहल की तरह दिखने वाला लेकिन साइज में छोटा होता है। इसका नाम है मंकी जैक फ्रूट्स यानी कि बड़हल। बड़हल का ये पेड़ है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे कुछ बड़हल मैंने तोड़ लिया है। बड़हल का जो कलर है ग्रीन कलर का, और थोड़ा सा पकने के बाद ना हल्का सा येलोइश हो जाता है, और जब पूरा पक जाता है तो एकदम पीला कलर का हो जाता है। पकने के बाद स्वाद में खट्टा मीठा लगता है, और जब ये कच्चा रहता है ना तो इसका अचार बनाया जाता है, सब्जी बनाई जाती है और तरह तरह की भी रेसिपी बनाई जाती है। तो बड़हल को देखिए मैंने अच्छी तरीके से धोकर कट कर लिया है। इसको छोटे बड़े साइज में आपको कट कर लेना है, जैसा भी आपको पसंद हो। और बीच वाले हिस्से को हमें कट करके हटा देना है। जैसे कटहल का बीच वाला हिस्सा हम कट करके हटा देते हैं ना, उसी तरीके से इसे भी कट करके हटा देना है। और देखने में आपको लग रहा होगा कि ये खराब है, लेकिन बहुत ही अच्छे से मैंने एकदम मल मल कर इसे धो लिया है। इसका जो कलर होता है ना, थोड़ा सा जो इसके स्किन होता है वो थोड़ा सा खुरदुरा होता है। आप देख सकते हैं किस तरीके का ये बड़हल है। बहुत ही ज़्यादा बड़हल हमारे शरीर के लिए हेल्दी होता है, तो अपनी डाइट में ज़रूर इसे शामिल करें, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो इधर मैंने सारे बड़हल को कट करके एक बार फिर से धो लिया है। चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया। इसमें 2 बड़े चम्मच जितना सरसों का तेल डालेंगे। आप अपनी पसंद का कोई सा भी तेल डाल सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, जैसे जीरा, मेथी, दालचीनी, तेजपत्ता, 1 सूखी मिर्च और हींग। हींग जरूर डालें, जैसे जीरा मेथी का कलर चेंज हो जाए। तब हम इसमें 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ डालेंगे। 3 से 4 हरी मिर्ची को मैंने बारीक कट कर लिया है, इसे भी डाल देते हैं। और अच्छी तरीके से हमें भूनना है, तो पहले मिक्स कर दें। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है 1 छोटे चम्मच जितना। इसे भी ना प्याज के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए सुनहरा होने तक भून लेना है। तो थोड़ी देर में देखिए प्याज और लहसुन अदरक भी अच्छी तरीके से भुन गया है, सुनहरा हो गया है। अगर आप लहसुन नहीं खाना चाहते, प्याज नहीं खाते हैं, तो स्किप कर सकते हैं। उसके बगैर भी ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। तो जो कटा हुआ बड़हल है ना, उसे हम डाल देते हैं, और अच्छी तरीके से इसे मिक्स करते हुए हमें भून लेना है, ताकि बहुत ही बढ़िया सा सोंधा सोंधा सा फ्लेवर आ जाए सब्जी में। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी सब्जी बनकर तैयार होती है फ्रेंड्स। तो जैसे ही भून जाए ना, तब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, और नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है, भून लेना है। तो फ्रेंड्स, आज की अगर आपको ये बड़हल की सब्जी की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए, यूजफुल लगे, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट ज़रूर कर लीजिएगा। तो इधर सब कुछ अच्छे से भुन गया है। इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं, जैसे कि सब्जी मसाला, धनिया पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और गरम मसाला। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारे मसाले मैंने 1/2 छोटी चम्मच जितना लिया है। बस धनिया पाउडर मैंने ले लिया है 1 छोटा चम्मच। अच्छी तरीके से मसाले डालने के बाद ना, इसे धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए भून लेना है, और नीचे जो खुरचते खुरचते हुए भूनना है, ताकि इसका जो फ्लेवर है ना, बहुत ही बढ़िया आए सब्जी का। तो आप देख सकते हैं इसे भूनते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं, और अच्छी तरीके से भून गया है। तब हम इसमें लगभग 2 कटोरी भर के पानी डालेंगे। तो ग्रेवी वाली आप बना सकते हैं, सूखा बना सकते हैं, जिस तरीके से आपको बड़हल बनाना पसंद है ना, उस तरीके से आप इसकी सब्जी बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ, तो अभी आगे मैं बताऊँगी इसका क्या करना है। तो इसे ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। बीच बीच में से हमें चलाते रहना है, चेक करते रहना है। बड़हल खाने से लीवर हमारा स्वस्थ रहता है, आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, और जिसको बाल झड़ने की समस्या है ना, उसमें भी ये बहुत कारगर होता है। तो आप बड़हल का सेवन किसी भी रूप में जरूर करें। बड़हल जो है ना, बरसात के मौसम में आसानी से मिल जाता है, तो बड़हल आप जरूर खाएं अगर आसानी से मिल जाए तो। आप देख सकते हैं सब्जी में जो मैंने पानी डाला था ना ग्रेवी के लिए, वो काफ़ी अच्छे से सूख गया है, और सब्जी भी हमारी बढ़िया से पक गई है। मैं अभी आपको कट करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये आसानी से कट रहा है, इसका मतलब है बड़हल हमारा बढ़िया से गल गया है, सॉफ्ट हो गया है। तो इस तरीके से ना बड़हल की सब्ज़ी मैं सूखी बना रही हूँ। अगर आपको चाहिए ना, तो ग्रेवी वाली भी बना सकते हैं, सूखा बना सकते हैं, जिसके साथ खाना हो ना उसके साथ आप बना सकते हैं। मैंने बड़हल की सब्ज़ी में टमाटर नहीं डाला है, क्योंकि बड़हल जो है ना स्वाद में खट्टा होता है, तो टमाटर डालने से और भी ज़्यादा ये खट्टा हो सकता है, इसलिए मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला है। तो आप देख सकते हैं लुक वाइज हमारी बड़हल की सब्ज़ी कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है। तो अभी गैस को हम ऑफ़ कर देते हैं। इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं।
हैं। लुक वाइज देखने में आप देख ही सकते हैं ये बढ़हल की सब्जी कितनी ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। तो धनिया को हम सब्जी के साथ मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको बढ़हल के बारे में और जानकारी चाहिए फ्रेंड्स, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं अलग से आपको वीडियो बनाकर दूंगी। तो अच्छी तरीके से मैंने धनिया को मिक्स कर लिया सब्जी में और लगभग 2 मिनट के लिए इसे हम ढक के छोड़ देते हैं ताकि धनिया का फ्लेवर सब्जी में बढ़िया से आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से गर्मा गर्म बढ़हल की सब्जी को हम सर्व कर लेते हैं। एकदम कटहल की सब्जी की तरह ये दिखती है, कटहल जैसा ही ये दिखता है, आप देख ही सकते हैं। लेकिन स्वाद थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि ये खट्टा होता है और कटहल खट्टा नहीं होता है। जब इसे हम कट करेंगे ना, तो हाथों में थोड़ा सा जैसे कटहल चिपचिपा सा लगता है ना, उसी तरीके से ये भी लगता है। तो इसीलिए इसका नाम मंकी जैक फ्रूट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये कटहल का छोटा भाई है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने सब्जी को सर्व कर लिया है। आप इसे रोटी, चावल, पूरी, पराठे के साथ खाइए, सभी के साथ ये जो बढ़हल की सब्जी है ना, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। बढ़हल के अचार की रेसिपी या फिर चटनी की रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, रेसिपी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फ्रेंड्स, बढ़हल को किस किस नाम से जाना जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कहाँ से आप ये रेसिपी देख रहे हैं, ये जानकर फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से सारी वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट आप सब्सक्राइब करके ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसी यूनिक, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।